नमस्कार। और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा कांग्रेस ने 26 मार्च को गुरुग्राम से परिवर्तन यात्रा आरंभ की थी। यह परिवर्तन यात्रा कल 31 मार्च को फरीदाबाद में समाप्त हुई। इस परिवर्तन यात्रा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, विशेषकर प्रदेश प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव गुलाम नबी आजाद ने हरियाणा की 10 में से 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की बिना घोषणा किए ही उनके नाम मतों की अपील भी कर दी। इससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी 10 में से 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दे चुकी है। जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का निर्णय ले लिया गया है, उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा को अंबाला से तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर को सिरसा से और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक से, पूर्व सांसद व चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी भिवानी से तथा कुरुक्षेत्र से पूर्व सांसद नवीन जिंदल की उम्मीदवारी पर कांग्रेस ने मोहर लगा दी है। केवल घोषणा करना बाकी है। इस यात्रा के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात कुलदीप बिश्नोई द्वारा की गई, जहां उन्होंने 3 दिनों तक इस यात्रा में दूरी बनाए रखी। वहीं चौथे दिन जब राहुल गांधी यात्रा में शामिल हुए तो वह भी शामिल हो गए, मगर उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के किसी भी नेता को अपना लीडर मानने से साफ इनकार कर दिया। ऐसा लगता है कि हिसार सीट पर उनकी उम्मीदवारी अथवा उसके बेटे भव्य बिश्नोई की उम्मीदवारी पर अभी कांग्रेस ने कोई निर्णय नहीं लिया है। आप देख सकते हैं इस पल पल की विशेष रिपोर्ट में। भाजपा में चर्चाएं थी कि कांग्रेस छोड़ रहे हैं, लेकिन मेरा रोज रोज खंडन करने का स्टेटस नहीं है। बार बहुत गंभीर तरीके से कह चुका हूँ, कांग्रेस पार्टी में ही हम लोग रहेंगे। जो भाजपा में जाने की बात करते थे कि सिर्फ गुमराह करने के लिए और मुझे कमजोर करने का लोगों का षड्यंत्र था, मैं 2 बार खंडन कर चुका हूँ। अब रोज रोज खंडन मैं नहीं कर सकता। आज राहुल जी के साथ रोड शो में शामिल रहेंगे? बिल्कुल 100% में साथ। कार्यकर्ताओं ने बहुत उत्साह है यहाँ पर, मुख्यमंत्री प्यार है लोगों का, सादर या बेहद बना है, मोहब्बत है। बस में सर सवार होंगे? जहाँ राहुल जी रहेंगे वहाँ कुलदीप रहेगा, जहाँ राहुल जी रहेंगे वहाँ मैंने, जहाँ राहुल जी हो वहाँ रहेंगे, जहाँ राहुल जी नहीं हमारे। बाकी कांग्रेस आजाद साहब है, बाकी और नेता साथ में? मैं राहुल जी के साथ हूँ। राहुल जी के साथ।